गुड मॉर्निंग बच्चों देखो बच्चों आज की अपनी जो क्लास है इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का जो अपने चौदहवा चैप्टर है विभाजन को समझना इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे तो देखो सबसे पहले तो अपने यह देख लें कि ब्लू के अकॉर्डिंग इस बार कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे तो देखो यहाँ पर इस बार भैया अपने बोर्ड एग्जाम में टोटल चार क्वेश्चन आएंगे जिनमें से तीन क्वेश्चन तो आपके एक एक अंक के हैं एक क्वेश्चन हो गया दो अंक का मतलब चार क्वेश्चन है और कितने अंक के आएंगे अंक के आएंगे कहने का मतलब है कि लगभग लगभग छोटे क्वेश्चन आएंगे तो इस बार अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे देखो यहाँ पर भैया अपने एक कमेंट जो बच्चों का बार बार आ रहा है उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आज और स्पष्टीकरण कर दूं कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम आपके ये मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर ले तो क्या हमारे 80 परसेंट नंबर बन जाएंगे क्या तो देखो मैं आपको वापस कह दूं भैया ओनली मोस्ट पर्सन इनका एक वीडियो मैं पहले बना भी चुका हूँ ठीक है अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो मैं आज आपको वापस बता दूँ कि मोस्ट क्वेश्चन प्लस जो चार प्री बोर्ड पेपर होंगे जिनमें तीन तो हो चुके हैं चौथा तो आज होने की संभावना है अगर तबीयत ठीक रही तो ठीक है तो हर चैप्टर के तो मोस्ट क्वेश्चन जो लगभग लगभग मैंने किसी चैप्टर के छः बताए हैं किसी के दस है किसी के पंद्रह है ठीक है, है हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन और चार बोर्ड पेपर जिन बच्चों ने तैयार कर लिए उन बच्चों को आराम से अस्सी परसेंट पेपर जो है वो अपने इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएगा मतलब चार प्री बोर्ड पेपर तैयार कर लो और ये सभी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर लो आप आराम से 80 परसेंट पेपर जो है वो कवर कर सकते हो ठीक है 80 परसेंट में कम से कम बता रहा हूँ भैया हो सकता है पिचासी भी हो जाए नब्बे भी हो जाए नाइन्टी फाइव भी हो जाए नाइन्टी नाइन भी हो जाए हंड्रेड भी हो जाए लेकिन मैं कम से कम आपको कितना बता रहा हूँ अस्सी परसेंट क्लियर है अब अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर एक की चर्चा करते हैं देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है आज के थोड़े से ध्यान रखना पहला क्वेश्चन है मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ यह किसने कहा था यह कहा था भैया अब्दुल लतीफ ने अब्दुल लतीफ ठीक है क्वेश्चन नंबर दो सर्वफ्रतम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी मोहम्मद इकबाल ने की थी भैया मोहम्मद इकबाल जिसने एक गीत भी गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो था मोहम्मद इकबाल ठीक है इसने कहा था कि उत्तर पश्चिम का जो भारत का क्षेत्र है वहां पर एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए तीसरा अभी सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है सब जानते हो आप किसको जानते हैं खान अब्दुल गफार खान कलियर है चौथा क्वेश्चन अभी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था 16 अगस्त उन्नीस को 16 अगस्त उन्नीस छियालीस पांचवा है संयुक्त प्रांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है यूपी भी या प्राचीन समय में जो संयुक्त प्रांत था उसी को वर्तमान में अपने यूपी या उत्तर प्रदेश कहते हैं छठवा है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था भैया शुद्धि आंदोलन चलाया था अपने आर्य समाज ने आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी सातवा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया पंजाबी सेंचुरी के रचेता कौन थे पंजाबी सेंचुरी के रचेता थे भैया प्रकाश टंडन प्रकाश टंडन आठवा देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है सितंबर उन्नीस में दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और खटोर गर्मी के बाद बरसात की फुहार जैसा किसने बताया मतलब सितंबर उन्नीस में जब गांधी जी दिल्ली गए थे तब यह पंक्ति किसने कही थी यह पंक्ति कही थी भैया शाहिद अहमद दहलवी ने शाहिद अहमद दहलवी। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये खतन दो तीन खतन आ चुके हैं ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनको नोवा क्वेश्चन भैया आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे ये दो नंबर का पूछा पूछाता है कई बार कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसको आम लोग किस प्रकार से देखते थे तो देखो आम लोग जो थे वो पहली बात तो ये सोच रहे थे, थे कि ये एक तो परमानेंट व्यवस्था तो है नहीं एक बार ऐसे कर रहे मतलब आम लोगों की सोच थी कि ये स्थायी व्यवस्था नहीं है ठीक है उस समय कुछ नागरिक इसे मात्र गृह युद्ध भी मान रहे थे झगड़े था मारकाट से बचे हुए कुछ लोग इसे मार्शल्ला रोला मारामारी हुल्लड़ ये भी कह रहे थे कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयं को उजड़ा हुआ और ऐसा अनुभव कर रहे थे ठीक है कुछ लोग इसको एक प्रकार से ये मान रहे थे कि धीरे धीरे शांति स्थापित हो जाएगी और वे अपने घरों में वापस आ जाएंगे तो इस प्रकार से इसके पाँच छः पॉइंट है आप कोई भी दो या तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं क्यों क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो ओनली कितने नंबर का आएगा दो नंबर का आएगा ठीक है दसवा क्वेश्चन है भैया भारत विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है भारत विभाजन हुआ था ना भैया उसको दक्षिण एशिया मतलब अपने दक्षिण एशिया का क्षेत्र हो गया अपना ठीक है उसमें एक ऐतिहासिक मोड क्यों माना जाता है क्यों क्योंकि देखो भारत का यह विभाजन जो हुआ था ना वो सांप्रदायिकता के आधार पर था हुआ था और यह एक प्रकार से एक अभूतपूर्व घटना थी क्योंकि ऐसा किसी भी देश में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ था ठीक है और इसके अंतर्गत क्या हुआ था भैया इस बंटवारे में औरतों ने सबसे अधिक अपमान था अत्याचार से थे औरतों का अपहरण व बलात्कार यौन शोषण उनको खरीदा गया उनको बेचा गया इस प्रकार की घटनाएं हुई ठीक है दोनों देशों के नागरिकों में भयंकर था अभूतपूर्व हिंसा हुई मारकाट हुई इसके अलावा भारत से अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान चले गए ठीक है जबकि पाकिस्तान से अधिकांश हिंदू था सिख भारत में आ गए सर्वप्रथम दोनों देशों के नागरिकों की परस्पर अदला बदली हुई थी इस प्रकार के पांच सात पॉइंट है आप कोई भी दो तीन पॉइंट याद करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर ग्यारह ग्यारहवा क्वेश्चन है भैया भारतीय विभाजन के कोई चार कारण बताइए मतलब भारत का विभाजन क्यों हुआ था भैया देखो बहुत कारण है जैसे सांप्रदायिक दंगे हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग है ठीक है इसके अलावा अंग्रेजों की फूड डालो राज करो की नीति है मिंटो सुधार अधिनियम है ऐसे पाँच सात पॉइंट है कोई भी दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं मैंने यहाँ पे चार इसीलिए दिए हैं ताकि आप चार याद करो तो कम से कम आपको एग्जाम के टाइम तीन तो याद रहे ठीक बार है बारवा है भैया भारत विभाजन को समकालीन प्रेस को इन विद्वानों ने महाध्वंस क्यों कहा मतलब भारत का जो विभाजन हुआ था ना उसको महाध्वंस की संज्ञा क्यों दी थी उस समय के विद्वानों के द्वारा इसलिए दी थी क्योंकि भैया विभाजन के समय भयानक एक प्रकार से सामूहिक नरसंहार हुआ था भारत विभाजन हुआ था ना उस भारत विभाजन के समय सबसे भयानक नरसंहार हुआ था लोग एक दूसरे को मार रहे थे संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे को काट रहे थे इसलिए इसको महाध्वंस की संज्ञा दी तेरहवा क्वेश्चन देखना भैया ये तेरहवा क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है ठीक है देखो जर्मन होलोकास्ट जर्मनी कहाँ पे पड़ता है यूरोप में है ठीक है जर्मन होलोकास्ट और भारत विभाजन में क्या अंतर था इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि भारत के बंटवारे के दौरान के महाध्वंस व यूरोप के नाथसी महाध्वंस में क्या अंतर है इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछाता है मतलब मैंने सीधा पूछ लिया आपको जर्मन होलोकास्ट और भारत विभाजन में क्या अंतर है ठीक है और इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछते हैं कि यूरोप के नाथसी और भारत के महाध्वंश में क्या अंतर है तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है बस लैंग्वेज चेंज है तो देखो अपने इसका आंसर किस प्रकार से देंगे कि भारत के बंटवारे के दौरान का जो महाध्वंश हुआ था वो धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी एक प्रकार से कि जो धार्मिक संप्रदाय के जो प्रतिनिधि थे जिसे इस्लाम धर्म के जो प्रतिनिधि थे या हिंदू धर्म के थे या सिख धर्म के थे उनका किया कराया था जबकि यूरोप में जो या जर्मनी में जो महाध्वंश हुआ था वो सरकार के द्वारा किया गया था समझ रहे हो मतलब भारत में जो महाध्वंस हुआ उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था जो संप्रदाय के जो बड़े नेता थे उनके कराया हुआ था ये जैसे इस्लाम धर्म के मोहम्मद अली जिन्ना थे ठीक है तो यहाँ पर भारत का विभाजन हुआ था वो तो हुआ था संप्रदाय के बड़े नेताओं के कारण जबकि जर्मनी में जो हुआ था वो हुआ था सरकार के कारण ये अंतर है बस चौथवा है भैया हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी बड़ा सा क्वेश्चन है उन्नीस में ये बार बार एग्जाम में आता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है दो क्वेश्चन और है पंद्रवा क्वेश्चन बड़ी अच्छी लाइन है भैया अनशन का प्रभाव आसमान की बिजली के जैसा रहा गांधी जी के अनशन के विषय में यह मत किसने दिया था यह दिया था भैया मौलाना आजाद ने मौलाना आजाद और सोलवा क्वेश्चन भैया अंतिम क्वेश्चन है आपके कि मुस्लिम लीग के बारे में आप क्या जानते हो संक्षिप्त में बताइए देखो पहली बात मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उन्नीस में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली पंक्ति तो ये हो गई ठीक है इस मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ के मुस्लिम वर्ग में अपना प्रभाव बढ़ा लिया अलीगढ़ में यह काफ़ी पॉपुलर थी ठीक है उन्नीस के दशक में इस दल ने भारतीय उप के जो मुस्लिम क्षेत्र थे उस मुस्लिम क्षेत्रों की स्वायत्ता था पाकिस्तान के निर्माण की मांग की और धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग को लेकर द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और अंत में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण इसी मुस्लिम लीग की हट के कारण हुआ ठीक है तो ये भैया टोटल 16 क्वेश्चन हो गए हैं अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं इस चैप्टर के आपको प्रीबोर्ड में दे चुका हूँ जो क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड पेपर में करा चुका हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं दिए है ध्यान रखना इसलिए जो बच्चा मेरे चैनल से तैयारी कर रहा है उस बच्चे को मैं वापस बता दूँ अगर आपको अस्सी या अस्सी प्लस स्कोर बनाना है मैं कम से कम बता रहा हूँ 80 या 80 प्लस का स्कोर अगर आपको करना है तो आपको चारों प्री बोर्ड पेपर जिनमें से तीन तो हो चुके हैं एक फाइनल प्री बोर्ड पेपर आज होने की संभावना चारों प्रीबोर्ड पेपर प्लस हर चैप्टर के मतलब पंद्रह चैप्टर हो गए पंद्रह चैप्टर के जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं किसी चैप्टर के मैंने छः भी बताए हैं किसी के आठ भी बताए हैं किसी के दस भी है किसी के पंद्रह भी है किसी के सोलह भी है ठीक है ये पंद्रह चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन ये आप तैयार कर लो आप आराम से अगर आपके लिखने की शैली अच्छी है आपकी राइटिंग अच्छी है आपका लिखने का तरीका अच्छा है तो आपको अस्सी नंबर लाने से कोई भी रोकने वाला नहीं है मैं कम से कम बता रहा हूँ अस्सी नंबर हो सकता है ये नाइन्टी नाइन भी हो सकते हैं लेकिन मैं अस्सी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को बच्चे ये ना कहे कि गुरुजी थे तो नाइन्टी नाइन बताया नाइन्टी एट टिपड़ाया समझ रहे हो तो अब यह अपने एक चैप्टर और शेष रहा है एक बोर्ड शेष रहा है वो भी अपने जल्दी ही आज या कल के अंदर मैं करा दूँगा थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इस वजह से दो दिन वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए मैं आपसे क्षमा आसना मांगता हूँ ओके तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डेढ़ सौ